जो धम्मिक लोग होते हैं या जो धम्म का पालन करते हैं, धम्म को जानते हैं, धम्म को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, धम्म को सीखते हैं, सिखाते हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जो सुत है, सुत का मतलब है जो भगवान बुद्ध ने बताया है। इसके बहुत सारे नाम हैं, सुत बोल सकते हैं इसको, पाली भाषा में सुत है और संस्कृत भाषा में सूत्र बोलते हैं। सुत के बहुत सारे नाम हैं, सूत, वाक्य, दोहा, छंद, चौपाई, कलाम, शेर, अशार, नज्म, गीत, कविता, गीता, गायन, वर्सेस, कलमा, आयत, स्टेंजा, पैरा, आर्टिकल, छंद, अनुच्छेद, छेद, पक्ति, पाली, पंक्ति, कुछ लिखा हुआ, लोकोक्ति, लोक कथन, पार्ट, पोर्शन, भाग, अनुभाग, चैप्टर, वर्ग, सेक्शन, सब सेक्शन, किसी भी नाम से सूत्र को बोल सकते हैं, क्योंकि पाली में इसको सूत्र बोलते हैं और संस्कृत भाषा में सूत्र बोलते हैं। बाकी ये सारे नाम हैं, पुरानी भाषा थी, यानी कि कुछ अगर बताया गया है, कुछ बताया गया है या कुछ लिखा हुआ है तो उस तरह से। पुरानी समय में स्क्रिप्ट तो थी नहीं, या स्क्रिप्ट थी भी तो वो ऐसी थी कि उसको लिखा जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पत्थरों पर बनती थी, कागज़ थे नहीं। लोहा भी बहुत बाद में आया, शायद तांबे से उस समय खोदा करते होंगे। तो लिखने का, पढ़ने का, यानी पठन पाठन का कोई तरीका था नहीं, सिर्फ इतना तरीका था कि जो बता दिया उसको याद करना है और उसको याद करके आगे बताना है। उसके ही गणक लोग हुआ करते थे जो उसको सीखा करते थे और आगे बोला करते थे। आज की डेट में कहते हैं कि आप इसको पाठ करें, इसका पढ़ें, इसको इसको बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से सिर्फ इतना लाभ होगा कि वो शब्द आपको याद हो जाएंगे। अगर आप उनका अर्थ नहीं जानेंगे तो वो आपके किसी भी फायदे में नहीं है। आपको अर्थ जरूर जानना है, और अगर अर्थ भी आप जान लेंगे तो आपको पूरा फायदा नहीं होगा, क्योंकि अर्थ जानने के बाद में अगर आपने सही अर्थ नहीं जाना और फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसको आपने जीवन में नहीं उतारा, तो बुद्ध की किसी बात का फायदा आपको नहीं होने वाला। आप चाहे बेशक सारे सूत्र जानते हैं, चाहे बेशक सारा धम्मपद जानते हैं, चाहे बेशक आप सारा त्रिपिटक जानते हैं, चाहे आप कितने ही बड़े बौद्धाचार्य हैं, चाहे कितने बड़े आचार्य हैं, चाहे कितने बड़े आप चर्यक हैं, चाहे कितने बड़े आप टीचर हैं या शास्त्र हैं, या कितने बड़े आप भिक्खु हैं या भिक्खुणी हैं, अगर बुद्ध के सूत्रों को जानकर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की, आचरण में नहीं लेके आए, तो वो सब बेकार की बात है। उसको एक भाषा में बुद्धि विलास बोला जाता है, यानी कि बुद्धि का आराम या बुद्धि का विलासता भरी चीज़ है वो, जो लोगों को धकियाने के लिए, लोगों पे विद्वता झाड़ने के लिए, लोगों को नीचा करने के लिए, लोगों को नीचा डाउन करने के लिए, या अपने अहम की तुष्टि के लिए सीखा गया है। इसलिए धम्मिक लोग कभी भी अपने धम्म का या अपने जो उन्होंने सीखा है उसका जितना भी वो लोगों को दिखाते हैं या बताते हैं या प्रचार करते हैं, वो अपने व्यवहार से करते हैं। कभी भी सूत बोल के, जोर से बोल के, या गाकर या सुनाकर, या ऐसा बताकर कि मैं इतने सूत याद करके आया हूँ या इतने सूत जानता हूँ, या सूत मैं बोल दिए, या भाषण में बार बार सूत बोलना, उसको बुद्धि विलास के अलावा कुछ नहीं है। वो आदमी धम्मिक, वो व्यक्ति धम्मिक होने में संशय हो सकता है, क्योंकि उसका व्यवहार अगर आचरण के सूत के अनुसार नहीं होगा तो फिर धम्मिक होने में पूरा संशय माना जाता है। इसलिए धम्मिक आदमी की पहचान है कि वो धारण करता है धम्म को, ना कि धम्म का घमंड करता है। धन्यवाद।